नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई ये एक स्ट्रो रीपर है जो कि क्रॉप स्ट्रो जिसका नाम दे रखा है और इसके बारे में बात करें जी गिलप्रीत वालों की 762। तो ये मशीन ले कर आए थे जैसे जो बंदे स्ट्रो रीपर चला रहे हैं या फिर स्ट्रो रीपर चलाना चाह रहे हैं आने वाले टाइम में अभी जो चला रहे हैं, तो इसका उसके अल्टरनेट ऑप्शन में ये ले कर आए मशीन। तो इस मशीन का जैसे ना पूरा डिटेल में बात करेंगे, आप लोगों को चला के भी दिखाएंगे इस सीरीज में और पूरी जानकारी देंगे भाई इसका क्या फ़ायदा, किन किन जमींदारों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो मलिक साहब ना इस बार अपनी नाड़ फंसा ली इसमें तो एक बार बात कर लेते हैं। मलिक साहब नमस्कार जी। नमस्कार भाई प्रदीप भाई, सारे यूट्यूब देखने वाला ना वीडियो भंडार वाला ना राम राम। मलिक साहब एक चीज बता दो, अपना पहले अपना गांव नाम बताओ की है। भाई नाम वीरेंद्र सिंह उर्फ बबला, गांव त्याड़ मलिक जिला सोनीपत। तो ये बताओ मशीन आप क्या सोच के लाए थे और इसका मेन काम के है? मेन काम ये हुआ था मतलब स्टॉक सटाकी इसलिए ले आए थे, स्टॉक खातिर वैसे छोटा रीपर भी ले रहे हैं पर यह चलाए पाछा मजा आया। पर यह है उन भैया खातिर है जिनका बड़ा काम है, बड़ा काम मतलब स्टॉक करे है, बड़ा स्टॉक करे है कोर नोनी भाई 10-20 किले का डे और हो गया उस भाई मतलब 100-150 किले तो रहने दो। हाँ 100-150 किले वाले तो रहने दो जी ना, 100-150 ट्रैली बनानी है या 500-400 किले चाहिए। मतलब जैसे जो बंदा दो रीपर चला रहा हो, तीन रीपर चला रहा हो, रीपर चला रहा है, तीन रीपर चला रहा है या बड़ा स्टॉक कर रहा है, बच्चा एक भी चला रहा हो, दो दो भी ना तो की रहा उसके फास जड़ जाए है, गोर हो जाए है, या है उनके लिए को भाई साना लेख 100-125 ट्रैली का डे है वो लेनी। तो न्यू बताओ उनके लिए कैसे कामयाब है, न्यू बताओ इसका क्यूकर काम फायदा मिला आपने? इसना फायदा न्यू मिला भाई, ई बी आई घंटे में जब बढ़िया सूखा लांगा मिल जाए, हमने एवरेज निकाल लिया इसकी 12 मिनट में, एक जिसमें 30-32 मिनट टूटा हो 12 मिनट में निकाल दे। अच्छा 30-32 मिनट टूटे वाली ट्रेन एक 12 मिनट में भरती है? 12 मिनट में हमने एवरेज निकाल ली है, 12 मिनट में भरती है। मतलब लान भी देखा था तो बढ़िया लान हो अकोर हो उस समय खाली हो वाला हो उसमें तो भाई वाई 20 मिनट भी ले ले है, 22 भी ले ले है। देखो वो तो एक अलग चीज है। हाँ। बाकी नहीं होना भाई जो मान ले खेत में डोली ना हो। हाँ। और अच्छा बढ़िया लान हो तो या मतलब एक किले ने कितनी देर में निकाल दे है लगभग, जो कौन से गियर में चल जाए सुख के लान में? या आएगी पहले में भी चल रहा है, लोगे दूसरे में भी चल रहा है, आएगी पहले की रिकॉर्डिंग है इसकी, आएगी लोगे दूसरे की चाल ज्यादा हो जाए इसकी, मतलब लोगे दूसरे की चाल ज्यादा आएगी पहले की कम है। तो मतलब इसमें उसके हिसाब से हम जो मान ले जो मेरी समझ में जो आपकी बात आई है भाई, जो बंदा जैसे स्ट्रो रीपर ले रहा है और उसके पास है 400 किले हैं, 500 किले हैं, 300 किले हैं भाई, जैसे अपना एकड़ है 300 एकड़ फांस के अपना तूड़ा बनाना है, तो वो बंदा के है एक तो ज्यादा लंबे टाइम तक लगा रहे हैं, लंबे टाइम फिर आग का भी, फिर खेत बोने वाले ने भी दाब रहा है जी खाली करो मेरा खेत कुछ बो, तो उसके हिसाब से यह मशीन ले लो फायदे में। फायदे में एक डीजल का बहुत फर्क है भाई जी, कितना डीजल ले भाई घंटे में? ट्रैक्टर की देख लो इस ट्रेली में हमारी में 6-7 ले ले है, छोटी ट्रोली में 30-32 वाली ट्रैक्टर ले जाए इतना और तैयार ले है, इसने खाली चला लो या इसमें किले में चला लो, इसने तो एक घंटे में 7-8 लीटर लेना, उसमें 3 ट्रैली निकाल लो या 4 लगा लो या 5 लगा लो हलांगे के ऊपर। देखो तो सिचुएशन है जी। हाँ। जैसा खेत हो जैसा गाना बाजा उसे डांस हो जाएगा। तीन तो है घंटे में इसकी। हाँ। मरी तो मरी वो 7-8 की एवरेज आएगी। ठीक ठीक, यो डीजल की बचत है। अच्छा वो ट्रैक्टर ले 6-7 लीटर ले जाए ट्रैक्टर, ट्रॉली में 6-7 लीटर ले या 7-8 लीटर ले। हाँ। अच्छा वो एक ट्रॉली में ले है कि एक घंटे में ले है? वो ले ले है 6 तक ले जाए है गीले लान में ट्रैक्टर एक ट्रॉली में। अच्छा एक ट्रॉली में। हाँ, इसने वो 7-8 लीटर लेना है। नहीं ये एक ट्रॉली कितनी देर में भरा है ट्रैक्टर अपना? ट्रैक्टर भर दे है 35 मिनट भी ले ले है, 40 मिनट भी ले ले है। ठीक ठीक 35 मिनट 40 मिनट माने चलो ट्रैक्टर का हो गया 12 लीटर। हाँ। भाई मान ले चलो 5 भी लगा लो। हाँ। 10 लीटर तेल हो गया ट्रैक्टर। हाँ। का 10 लीटर मैंने मान लो डेढ़ ट्रॉली भर देगा। हाँ। या दो भर दे, चलो दो मान लो दो भर दी 30-30 मिनट में एक ट्रेली भर दी। हाँ। तो फिर भी उसका 10 लीटर हो गया। हाँ। और या एक घंटे में 3 ट्रेली तो भरे भरेगी। हाँ, अगर ट्रैक्टर 10 लीटर लेगा ना। हाँ। वो डेढ़ ट्रेली का डगर या 4 ट्रॉली मरी कम से कम निकाल लेगी। अच्छा इतना फर्क। अच्छा वो डेढ़ ट्रॉली मतलब वो दो ट्रॉली सूखे में डेढ़ भरेगा, 4-5 निकाल लेगी। हाँ बात वाह है, मतलब डीजल खर्चे में बचत है। हाँ। पर उसमें फायदा है जो ज्यादा लंबा काम, ज्यादा लंबा काम करो वो भाई ना ले इसने भाई जी की 500 ट्रॉली बनाओ अपने उसके लिए तो फायदेमंद नहीं है। हाँ जो बिजनेस में पर्पज के हिसाब से। हाँ, बिजनेस पर्पज के हिसाब। कितना कितने फुट का कटर है मलिक साहब इसका? 10 फुट का कटर है। अच्छा 10 फुट का, वैसे तो वो लगभग हार्वेस्टर है, इसमें स्ट्रो रीपर के ऊपर इंजन रख दिया है। हाँ, स्ट्रो रीपर के ऊपर रख दिया भैया, सुविधा बदल रहा है क्या वो रीपर है। और चलान में चलान जैसे कुछ बंदे ये लगा चलाते टाइम ऑपरेटर की दिक्कत आओगी कुछ? ना, ऑपरेटर की ट्रैक्टर से बढ़िया चल रहा है, एक तो ऊंची होगी, धूल मिट्टी का बहुत फर्क रहा है। हाँ हाँ हाँ। एक सारी सुविधा यह है
वो बोले टूट गया उसमें नीचे तो बस कट खोलनी पड़े या करना पड़े इसमें हाँ। तो यहाँ गया न्यूगा न्यू निकल हुआ है बस नीचे दे। अच्छा न्यूगा नीचे उठाओ और लेगा न्यूगा न्यू नीचे चले जाओ। अच्छा न्यूगा नीचे निकल गया। एक ब्लेड आएगी बहुत बढ़िया सुविधा थ्रेसर की। कैसे ऊपर से यहाँ से खोल लो इसको और न्यूगा न्यू होना इसमें ओले काटने की जरूरत नहीं है ब्लेड बदलने की। आपके सीजन में जो इसने 250-300 ट्रॉली बना दी अपना थ्रेसर बाहर निकालो उसको पलटी मारो दूसरी साइड से डाल दो। अच्छा पूरा थ्रेसर पलटी मार दो। पूरा थ्रेसर ब्लेड पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लेड पलटने की जरूरत नहीं मतलब अच्छी पर उस पर सही चीज बना रखी है भाई जमींदार दुखी ना हो टाइम वेस्ट ना हो। टाइम वेस्ट ना हो एक टाइम की बचत है। अच्छा फिर एक सबसे बढ़िया बात यह है जो भी मतलब इसमें रिपर में धूल मिट्टी आवे है इसमें धूल मिट्टी नहीं आओगी। कारण क्या है चक्कर इतने ज्यादा हो जाए 101 आस पावर का इंजन है इसका। अच्छा 101 आस पावर का इंजन बड़े पंखे है धूल मिट्टी सारी बाहर निकल जाए। अच्छा मतलब तूड़ा है वो भी बिल्कुल साफ रहे रिपर के मुकाबले। रिपर के मुकाबले बिल्कुल साफ रहे। अच्छा मतलब धूल मिट्टी कम रहे। धूल मिट्टी नहीं आती। चलाने में कोई असुविधा कोई असुविधा नहीं। हाँ भाई तो बता दे सर हम तो ड्राइवर भी बुला रहे हैं हम खुद भी चलाओ है। अच्छा बिल्कुल सारी चीज वो है इसमें तो और अपना यहाँ अपना रिपर हो गया नीचे इसमें और ट्रैक्टर टायर हो गए इसमें 16x28 का है। 28 के टायर हम पिछले 750 के। अच्छा पिछले 750 के हो गए। एक लिफ्ट सिस्टम दे रखा है डंपर डंपर होता है। अच्छा अच्छा लिफ्ट सिस्टम भी दे रखे इसमें। हाँ, ये लीवर हो गया यहाँ पर जैसे दो पहिए दो चक्के वाली ट्रेली हो है। हाँ। इसको नीचा करोगे तो नीचा गिर जाएंगे ऊपर करोगे तो ऊपर उठ जाएंगे। हाँ वो देखा इंजन स्टार्ट होता हो जाएगी। अच्छा अच्छा लिफ्ट जो रिप परेशानी ना रहा है जोड़न में उसमें दिक्कत ना रहा है। अच्छा ठीक। अच्छा यो इसमें ठाक है ट्रॉली में जुड़ जाए। वैसे तो स्टोरी पर है नूगा नहीं भाई यो इंजन ही यहाँ रख रखा है। इंजन ही यहाँ रख रखा है। एक बार दिखाओ ऊपर चल के दिखाओ उसमें और क्या क्या सुविधा है। अच्छा यो है इंजन इसमें 6 सिलेंडर। अच्छा 6 सिलेंडर अशोक लीलैंड का 101 हॉर्स पावर वाला इंजन है इसमें BS4 नहीं BS3 BS3 टर्बो चार्ज के साथ में है। टर्बो चार्ज के साथ में है। अच्छा यो इसका थ्रेसर। अच्छा यो थ्रेसर है खोलिए खुल जाए चला और देखाइए भाई बढ़िया डाला है एक बार। अच्छा यो कह रहे मेरे ख्याल पूरा ड्रम का ड्रम निकल जाएगा निकल जाएगा यो। अरे इन पलट के डाल दो फिर ब्लेड ब्लेड पलटी मारने की जरूरत नहीं है इसकी जैसे रिपर में वैसे मलने पड़े है ना। हाँ। ये ऐसे गैसे थ्रेसर बाहर निकल जाएगा इसने पलटी करके वापस ले दो यहाँ पे। ठीक कर दे ऐसे गैसे यो तो नीचे अपना ट्रैक्टर वाला रिपर बस इसमें बड़ा है यो थोड़ा। हाँ, बड़ा हो गया उससे ये क्या चीज है रिया डीजल टैंकी। अच्छा डीजल टैंक है यो इसका। अच्छा यो एयर हवा का दे दिया एयर टैंक ये ले साथ में एयर कंप्रेसर भी दे हवा बनाकर इसमें साफ सफाई कर दे और हवा भरना चाहो हवा भर ले। अच्छा ये अपने इसके लीवर हो गए सारे ये सिर्फ आई लो। अच्छा यो आई लो हो गया यो कटर का अप डाउन का। हाँ यो तो वैसे रील वाला। हाँ ये रेस होगी। हाँ रेस होगी इसकी। ठीक ये अपना आरपीएम मीटर हो गया। आरपीएम मीटर हो गया ये टेम्परेचर। हाँ ये सारी चीजें साथ में रही है टेम्परेचर बैटरी का है ये अपना लीवर हो गया 1 2 3 4 रिवर्स और 3 गियर में है फर्स्ट और बैक तो एक लीवर में हो गए। हाँ और दूसरा और तीसरा इसमें हो गए दूसरे ना सही है ये अपना इधर ब्रेक पेडल। हाँ ये ब्रेक पेडल ये एक्सीलेटर पैर वाला। अच्छा ये क्लच हो गई। रियर एंड ब्रेक। हाँ ये एंड ब्रेक है। ठीक ब्रेक दबाओ। दिखाओगे नीचे उतर ले इसमें और दिखा रहे थोड़ी बहुत सुविधा के है। अच्छा ये सारी यहाँ पर वो क्लच वगैरह सारे थ्रेसर की चेंजर हो गया थ्रेसर वाली सारी पूरी। ठीक इसमें तो गेहूं है वो यहाँ निकल जाए। हाँ यहाँ निकल जाए। इसका कोई फायदा हल मिला इसमें एक्स्ट्रा जो आप बता रहे थे गेहूं का कुछ जैसे साफ सफाई बर्बाद ना हो जो मशीन कहीं दस बाद में रिपर तो बाद में चला है उसमें दाना जो रह जाए वो निकल जाए है ना ना वो तो जरूरी अच्छी चीज है। अच्छा ये बूम निकल लगाने के लिए ठीक और तो नॉर्मल वो है सारी चीज रिपर वही फायदा है जो बंदा चलाना चाहो है
बड़े काम बड़े स्केल पे काम कर रहा है तो उसके लिए बढ़िया है, उसके लिए बहुत करो बंद करो, एक बार मशीन चलती करवाओ। ये क्यों निकाल लो भाई, इतना निकल रहे दीप दीप निकल नीचे एक बार गेहूँ निकाल लेते, गेहूँ तो निकालेगा ऊपर का लाइन जाएगा। नहीं ये फिर घूमगा इसके तो देगा इतना लेगा भाई इसने, तो एक काम करिए ये हड्डी तो निकालोगे एक बार बाहर खींच के चलाइए भाई खींच के। अपने हिसाब से चला तू इनकी मत सुना है, अपने हिसाब से चला जरूर ठीक लग है। इसका तो फायदा बताया वो ये बताया वो, जैसे तो बड़े काम में काम करना चाहता हूँ बंदा बड़े स्केल पे, रिपर वगैरह जैसे का अपना 400-500 एकड़ जमीन जिसने काटनी हो फसल फांस बनाने हो जिसने, उसके लिए बढ़िया चीज है यार। चलेगी एक नंबर की बिल्कुल। सोची थी पहली बार में तो भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए कुछ और दिक्कत ना आ जाए, लेकिन जो फाइनल आउटपुट नहीं मिला ना उसमें बढ़िया लगी। लेकिन है लार्ज स्केल पर काम करने के लिए, कोई बंदा सोचे भाई एक ट्रैक्टर ले रहा है और 100-200 एकड़ ज़मीन अगर निकाल रहा है तो उनके लिए नहीं है ये है सिर्फ जो 400-500-300 प्लस से निकालता हो उसके लिए तो है ठीक मशीन। ज़्यादा ज़्यादातर मतलब मशीन तो कामयाब है पूरी, पर बड़े स्केल पर काम करने मजा है। बड़े में बहुत बढ़िया मजा है प्रदीप भाई का, बड़े स्केल पर भाई का मसला नहीं, जो थोड़ा काम करे है 10-12 लाख का ट्रैक्टर का भी रिपर का भी सांग जोड़ रहा है, जो बड़ा काम करे उसके लिए लगाने में फायदा है ना, उसके हिसाब से तो बढ़िया वो है रिपर वाला करा है बिल्कुल सेम रिपर वाला। ये नहीं कुछ अलग है कुछ इसमें कोई दिक्कत हो ना चलाने में कोई देखो प्रेशर तो पूरा मारा है वहाँ धूल मिट्टी नहीं रहेगी बिल्कुल भी नहीं। ये बात तो सही कह रहे हो आप, चलो आ जाओ चलो जी हमें लक्षा भाई बड़ी चीज दूसरे में चल पड़ी। अच्छा अभी दूसरे में चल पड़ी रोज के एक जगह आन जान में फिर दिक्कत होगी वो है सही कह रहे हैं बात तो।
मतलब जो कुल मिला जो सोच के लाए थे हाँ, उससे बढ़िया निकल हाँ, उससे तो बढ़िया निकल रही है, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। पर बार बार फिर कहूँ भाई को भाई जो 150 ट्रेली बना हो भाई बची हो मेरी आरना, आप अपना नंबर बता दो अगर किसी भाई ने लेनी हो तो। हाँ 93-068-50-764 93-068-50-764। हाँ जी हाँ ठीक, आपका कॉल करके और बता कर लिया, पूछ लिया, क्योंकि आप कितने दो मशीन लेकर आ रहे हो ना आप? दो ले रहे हैं। अच्छा दो ले रहे हो, दोनों अपना एक या अपनी उसी सैलरी है, एक स्टॉक में चल रही है। अच्छा एक स्टॉक में चला रही है, चलिए एक गाँव का बजे गाँव घर घर थोड़ा डालना ठीक ठीक है। फिर भाई इतने जुगाड़ भी कड़े हैं जमींदारे में, ना जुगाड़ भी कोई नहीं, रोज का खर्चा है। हाँ ना रोज का खर्चा, उस खर्चा भी निकालना है, जो साथ का खर्चा निकल जाए एक मशीन का, और एक अपना नहीं बचत में डलती रहे पीछे, वह बाद में आ जाएगी समझ में, चीज़ एक अलग है। चलो मलिक साहब धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रदीप भाई, नहीं आपका धन्यवाद, आपने एक अच्छी चीज़ दिखाई बताई हमें भाई, जैसे जो चीज़ लगी हमने भी भविष्य से आपने तो ठीक है, कुल मिलाकर बढ़िया मशीन है, कोई दिक्कत है न्यू बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टूट फूट नहीं आली इतनी अभी तक देखो। हाँ ट्रेलियाँ लगभग डाली है। अच्छा बाद में लिया दिया एक मशीन था, हाँ कोई टूट फूट नहीं, कोई वो नहीं, बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। चलो जी धन्यवाद मलिक साहब आपका, भैया था भाई देख लो, जैसी वीडियो लगे कमेंट।